ज़ैनब, तुमने इसको स्ट्रिक नहीं पकड़ना। ज़ैनब का डांट मुझे लग रहा है 2 करोड़ बन जाए ना जितना सामान ले लिया इन्होंने। तो गाइस हमारी पट्टी जो है नसीरा फैसल ने कर दिया। थैंक यू हीरू डॉक्टर। सबको रमजान मुबारक। अभी कुछ दिनों में आने लगा है, पहला रोजा होगा, ठीक है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार आप रमजान ग्रोसरी कब करेंगी, तो मैं आज फ्री थी, मैंने कहा आज हम चलते हैं करने के लिए, क्योंकि बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलना है। पहले रमजान में ऐसा होता था कि पापा जो थे ना बाहर जाकर खुद ग्रोसरी कर रहे थे मामा के साथ, बट इस दफा ये हमारा, ज़ैनब तंग मत करो, इस दफा ये हमारा पहला रोजा है जो पापा के बगैर होने वाले हैं। ये वाला रमजान पापा के बगैर गुजरेगा, इस पे तुम कुछ कहना चाहोगे? ये वाला रमजान डैडी के बगैर गुजरेगा। आई एम मिसिंग हिम सो मच। अगर पापा जी आप व्लॉग देख रहे हैं तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सो आज हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने। मम्मा आप ऐसे कर रही हैं पापा को मिस? हम पापा की ग्रोसरी मिस करते हैं। वो रमजान में 8 दिन पहले 10 दिन पहले हाँ। ग्रोसरी कर लेते थे, तो अब वो नहीं है, तो किसी ने मुझे नहीं करवाई, तो ये कदम कौन उठा रहा है? अब ये कदम राबिया उठा रही है। हिरापी है, मैं, हिरा, ज़ैनब, हम सब जा रहे हैं ग्रोसरी करने। ज़ैनब गाने बंद कर दो, पीछे देखना जरा, पीछे वीडियोस बनाने लगी हुई है। सोच ही रही थी कि मैं किसके साथ जाऊंगी, राबिया ने ये कहा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पापा की कमी पूरी कर रही हूँ। क्या मैं ड्राइविंग भी दिखाऊंगी? और आज गए ज़ैनब पापा की कमी पूरी करते हुए, ड्राइविंग भी करेगी और हमें ऊपर डायरेक्ट पहुँचाएगी। तो ये हिरापी को इधर, क्या हिरापी क्या चुनखड़ाने कर रही हो आप? पता है माना रमजान आने वाला, लेकिन ये क्या बिहेवियर है यार, पूरे पापड़ का करने है ना, और ये भी नहीं कि एक खा रही है, बाजू में 1 2 3 पकड़े हुए हैं। सही हलाल ना पपोप से हिरापी कर रही है, इससे रोजा रखवाना और इससे इफ्तार करवाना, इससे इफ्तार। रोजों का सही इफेक्ट ना हिरापी भी होगा, क्योंकि ये बहुत खाती है। अच्छा फिर नहीं होता, फिर पतली की पतली रहती है। इनसे रोजा करना, ये नहीं खाने बिल्कुल भी। ज़ैनब यार जल्दी आ जाओ, हम लेट हो जाएंगे, बंद हो जाएगा स्टोर, और इस रमजान हमें हिरापी के हाथ के मुख्तलिफ किस्म के लुआजमात खाने को मिलेंगे। हिरापी डिशेज अच्छे बना के खिलाना, जो भी खाना जाके लेके आओ। अरे भाई रमजान में हमारी घर की खातून ही खाना बनाती है, मैं भी इफ्तारी बनाऊंगी। एक रोजा करनी है कि जो तुम हमें डिफरेंट डिशे खिलाओ। चलो ठीक है, ठीक है ना, वो वाली करनी है। ज़ैनब तुम शूज ऐसे पहने, वहाँ पे शॉपिंग करने घूमने जा रही हूँ मैं। देखो नॉर्मल चप्पल में जा रही हूँ, इतने फैशन करवा लो, शॉपिंग कर नहीं रही है। चलो, और हिरापी ऐसे जूते पहन के जा रही है जैसे कोई तूफानी बर्फ में जा रही है। ज़ैनब के अलग, आपके अलग, मैं शॉपिंग के हिसाब से जा रही हूँ। शॉपिंग पे आप ज्यादा तैयार होकर नहीं चाहते हो गाइस? तो गाइस ये कुछ अलग होने लगा है। ज़ैनब गाड़ी चला रही है। ज़ैनब आर यू सीरियस? मैं अभी तक चला रही हूँ और तुम चला रही हो? आज तो ऊपर पहुँचने का वक्त आया जाता है, मुझे अभी से डर लग रहा है। ज़ैनब तुम कहीं कुछ ठोक दिया ना तो मैं मारूंगी तुम्हें। मेरा टाइम भी आएगा, देख लेना, मैं इससे ज्यादा अच्छी चलाती हूँ, वैसे मुझे आती है चलानी। बेटा कहाँ सीखी है तुमने? मैंने अपनी दोस्तों से, अपने पापा से, अपने अडी भाई से और अपनी हिरापी से। गाइस ज़ैनब गाड़ी चला रही है और ज़ैनब तुमने इसको स्ट्रिक नहीं पकड़ना। ज़ैनब को डांट पड़ी है, बल्ले बल्ले डांट पड़ी है। अगर मैं घुमा रही हूँ तो इसको लाइट छोड़ना है, समझ आई है? समझ आई है ज़ैनब? हरकत की है, सही से चलाओ। गाइस हम जिस रफ्तार से जा रहे हैं इस तरह तो मुझे लगता है हम लोग सुबह पहुंचेंगे स्टोर पे। प्लीज ज़ैनब थोड़ा गाड़ी को स्पीड मारोगी थोड़ी सी? इसको तो चढ़ता है, मुझे उससे और बहुत है। पकड़ती हूँ, मैंने इतना कहा था प्यास से क्या करना है मम्मा? नहीं, जब आप टीचर बनते हो ना, जब टीचर बनते हो गुस्सा सिखाना पड़ता है। मैं कह रही होती हूँ कि पकड़ो मत करो, मुझे और वो मसला होता है। अच्छा तुम गलत टर्न ले रही हो, तुम मैंने गलत टर्न प्यार से। अच्छा अच्छा चला चला, तुम गलत टर्न ले रही हो, तुम्हारे ख्याल में वो ठीक टर्न है। जब तक तुम मुझे इधर उधर करूंगी नहीं, लगने के बाद पता चलेगा। बताया हुआ है कि कितना टर्न। चलो ठीक है, तुम सही टर्न भी ले रही हो, लेट्स सपोज ले भी रही, और अगर मैंने उसको पकड़ भी लिया तो उससे मैं ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। यार यहाँ पे शांति छाई है, हिरा और ज़ैनब के दरमियान में एक जंग चली पड़ी है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान है, ये तो चलता रहेगा। अब हम जा रहे हैं स्टोर पर, देखते हैं क्या क्या लेना चाहते हैं। सारी लड़कियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं, गाड़ी गुड़ी सीखने के लिए, शॉपिंग करने। ऐसा लग रहा है नहीं, किसी रैमबोर्ड पर आई हुई है यार। कहाँ से अभी नीचे से नहीं ऊपर चलेंगे, पहले सबसे पहली चीज मैं बताती हूँ, आटा लेना है रोटी के लिए। रोटी सबसे पाबंद चीज है, आटा है अगर, आटा है। अच्छा फिर अब मैदा लेना सबसे पहले, क्योंकि हमें मैदा बनाना होता है, कुछ मैदे से चीजें बनानी होती है। मामा मुझे कुछ कुकिंग का पता ही नहीं है यार, पहले मैदा लेना है, बेसन लेना है, लहसुन अदरक ये सारी चीजें लेनी है। शायद पहले हम पकड़ेंगे ये और इसको फुल भर लेंगे। यार सबसे मेन चीज हमने खजूरें लेनी है, हम खजूरें भूल ही जा रहे हैं। तो यहाँ से खजूरें पकड़ो एक पैकेट, यहाँ से सारी पकौड़ियाँ पकड़े, पकौड़ियाँ और जो कहते हैं दही बल्लियाँ, और दही बड़े भी होने चाहिए, तो भी लेने पकौड़ी है ना, ये भी लेने पकौड़ियाँ।
और इसको कहते हैं पकौड़िया पकौड़े। तो गाइस ये वाला सामान भी काफी काम आता है क्योंकि हमें इफ्तारी के बाद खाना खुना पड़ जाता है। मम्मा सीरियसली आपको नहीं पता बच्चियां जब रोजा रखती हैं तो ये ऐसी चीजें खाती हैं। आज राबिया करने आई है तो राबिया ऐसी चीजें जरूर लेगी। और यहाँ पे हमने जैनब को पकड़ा है जी, जैनब यहाँ बिस्किट ले रही है। जैनब रमजान का बिस्किट से क्या ताल्लुक है, ये ग्रोसरी है? उसके बाद ग्रोसरी में ये नहीं आती। रमजान में इफ्तारी में तुमने बिस्किट बनाने हैं मुझे बताओ, गलत चीजें सारी पकड़नी है। ये हमने पकड़ लिया 2 kg बेसन और ये मैदा। मैदे से क्या मैदा है? मम्मा मैदे से हम लोग बनाते हैं केक बेक करते हैं, डिफरेंट बहुत चीजें बनती हैं मैदा से। 3-4 पकड़ा ये मैंने क्या कर दिया। ओहो वापस रखो इनको। मम्मा उधर अपने हस्बैंड से बातें कर रही हैं रमजान की। पूछ रही हूँ पापा से कि क्या क्या ग्रोसरी चाहिए। पापा जी हम आपको मिस कर रहे हैं। चल बोले पापा जी हम मिस कर रहे हैं आपको। थैंक यू। हम लोग रमजान की शॉपिंग करने आए हुए हैं। चलो यार गर्लीज की पापा से बातें शाते हो रही है इधर। पापा जी आप हमें मिस कर रहे हैं कि कोई नहीं? मैंने कल आपको ख्वाब में भी देखा। अब से मैं सुबह दूध पीती हूँ। पापा सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही है? सबसे ज्यादा किसकी? मम्मा की। मेरी मम्मा की याद आ रही मम्मा की। चलो उनको तंग ना करो जैनब, आजकल वो मेरे बगैर नाश्ता बना रहे हैं। हाँ यार हमने पापा को बाय शायद बोल दिया, पापा वहाँ पे काम शाम कर रहे हैं तो मम्मा फिर यहाँ से दूध छूद भी ले लें। क्रीम भी चाहिए, दूध ये वाले ले ले, रख लेते हैं। क्रीम तो ले लो, दूध नहीं लेना, दूध हम भैंस का पीते। मम्मा तो ये भी भैंस का ही हो गई। ये डिब्बे का, ये डिब्बे का, डिब्बे के डिब्बे ने दिया ये दूध। मम्मा हाथ धो के ग्रोसरी कराने लगी, पागल करने डब्बे ना, मुझे तंग ना करो, तंग ना करो, तंग कर छोड़ो। क्रीम ले लो, क्रीम तंग करके रख दिया मुझे इन्होंने। जरा मुझे कॉस्मेटिक्स सेक्शन में जाओ। हिराबी कॉस्मेटिक का रमजान से कोई लेना देने? नो मेकअप। मम्मा इसको मना करें, आज ऐसी कोई चीज नहीं लेनी, सिर्फ ग्रोसरी। मेरे पैसे वेस्ट करने आई हैं बस ये साड़ियाँ। इसका रमजान से क्या ताल्लुक है? इसको वापस रखो, वापस रखो इसको। लास्ट टाइम जब मैंने शॉपिंग की थी कितना लंबा बिल था। मैंने इतनी थोड़ी चीजें ली थी। जैन ने भी क्या क्या ले लिया तुमने? मरहबा कुछ पी लिया, फुरसत क्या है ये? लाने से तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने पे फॉरेस्ट लिखा, फुर्सत लिखा है यार, उर्दू लिखी हुई है, फॉरेस्ट लिखा हुआ है। सॉरी पी के देखा, मेरी बहन ने पढ़ लिख नहीं सकी, उर्दू की कमी है मुझे। मीठे का टेस्ट आया, मेरा नाम बदल देना। मैं भी ट्राई करके देखूंगी, मैं भी ट्राई करके देखूंगी। उन्होंने सोडा लिखा था, मीठा वाला होएगा। जैना तुम्हें ये क्या सामान ले लिया यार, इतना ज्यादा इनका कोई काम नहीं है। तुम्हें पता राबिया के पैसों से चीजें जा रही है, तुमने इतना कुछ उठा लिया, सब रखो ये वापस। नहीं ये भी नहीं लेना। नो तो गाइस अब हम सही ग्रोसरी साइड पे। मम्मा यहाँ से हमने सारे मसाले लेने हैं, ये वाले चपली कबाब, हलीम कबाब, शामी कबाब, हंटर। गंदा मम्मा आप भी पियेंगे। मम्मा प्लीज है ना, मम्मा आप भी प्लीज, मम्मा प्लीज, मम्मा का रिएक्शन देखना। मम्मा ठीक है, मैंने दो रख लिया, वो रख लें दो जरा। चल भी ले लिया। तो गाइस यहाँ पे मम्मा ने कहा है दालें हेल्दी होती हैं, खिचड़ी खिचड़ी बनाने के लिए चना चाट भी, ये वही दाल भी लेते, मुझे पसंद है ये वाली, ये भी ले लेते, चने भी और ये भी चने हैं, दोनों चने ले लेंगे। मम्मा जी मसर चावल भी बनाएंगे, मसर भी ले लें प्लीज, दो मसर भी। मम्मा लोबिया भी बनाएंगे, लोबिया भी ले लें, ठीक है। मम्मा जी चीनी भी लेनी है, चीनी किधर है? चीनी का शुगर ये वाली ले लेते, ये वाली ले लेते हैं छोटी वाली। मम्मा मेन चीज समोसे पकौड़ों की चीजें, समोसे पट्टियां सभी वो कब लेना? आए उस साइड पे आ जाए, जल्दी से आ जाए। मम्मा इधर जो है ना अपना कलर लेने पे आ गए, इधर मम्मा कलर डिसाइड कर रही है। मम्मा आपको पता कौन सा लेना चाहिए वाला, ये बड़ा सूट करेगा आप पे, करके तो देखिए। मुझे समझ नहीं, रमजान है यहाँ पे, हेयर डाई सिलेक्ट हो रहे हैं, आपने कोई लेना है अच्छा सा कलर ले सकती हो। मैंने व्हाइट वालों के साथ रखने, नहीं नहीं मम्मा ने गाइस आगे ईद भी तो आ रही है ना, तो ईद का प्रबंध करना है। गाइस मम्मा कह रही है उन्होंने कलर भी कॉफी कलर लिया ना, मम्मा कॉफी से कुछ ज्यादा इंस्पायर है। ये है कॉफी कलर, ये है, ये जैनब इधर साइकिल देख रही है ना, चलानी है, मैं ये वाली चलाती हूँ, रुको जरा, यही कर ये मजा, ये मैं ले लूंगी साइकिल, वैसे भी दिल चाह रहा है मैं खरीद ही लूं, कितनी प्यारी है वैसे, है ना। तुम राबिया को छोड़ के खुद बच्ची बच्ची गिर जाओगी, गिर जाओगे। गाइस हम लोग शॉपिंग करने हैं, अपना मकसद नहीं भूलना, चलो वापस शॉपिंग स्टार्ट करो। तो यार मैक्सिमम मम्मा ने ये सारा कुछ भर लिया, इसके अंदर इतना सामान आ गया। ये सीरीला किसने लिया जैनब? हद होती है, तुम थोड़ी बच्ची हो गया, हद हो गई है। और ये इधर हमने ये बस मम्मा यही फ्रूट चाट के लिए ज्यादा फ्रूट चाहिए। हम ले रहे हैं एप्पल, अनार, बनाना, और क्या क्या लेना है मम्मा? और अनार और ये ले लेंगे, ये भी अच्छे होते हैं, ग्रीन सेब, और ये भी ले लेंगे, ग्रीन सेब भी ले लें। गाइस हमें एकदम से शॉकिंग न्यूज़ मिली है कि इंस्टाग्राम बैन हो गया, क्या कहना चाहोगी इस बारे में? जब तक जैनब इंस्टाग्राम
जैनब मुंह बंद करो, इंस्टाग्राम बैन हो गया, तुम्हारी वीडियो आने तब तक तुम्हारी यूट्यूब भी बैन हो रहा है। और कह रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया बैन हो रहे हैं पाकिस्तान से, क्यों? बट एक मिनट को मैं ये क्या वहां निकलने लगी हूं जल्दी, मैं भी जा, अगर ये है तो मैं जा रही हूं यार। ये क्या बात है, सारा सोशल मीडिया बंद हो रहा है, तुम्हारा यूट्यूब भी बंद हो जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान के हिस्सा बंद हो रहा है। हां अभी पाकिस्तान इंडिया बाजी हमारा, हम बाहर चले भी जाए तो हमारा ही बंद रहेगा क्योंकि हमारा पाकिस्तान का बना है। अकल से काम लो जैनब, अब क्या करें, मुझे टेंशन, मुझे चलो यार बाद में जाने बात करते हैं। तो गाइज इन्फॉर्मेशन मिली है, इंस्टाग्राम बैन नहीं हुआ, बस कुछ देर के लिए जो है ना वो डाउन हो गया, तो ठीक हो जाएगा जैनब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरी रोजी रोटी कहीं नहीं जाती। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई थी, अभी मैं सारी ग्रोसरी छोड़ के यूं बैठ गई थी, लेकिन शुक्र है। चलो ग्रोसरी कंटिन्यू करते हैं फिर से, अभी फ्लाइट बुक कराने से निकल रहा। वाह जैनब वाह, एक ये उठा लो, एक ये वाले रोल उठा लो, एक ये उठा लो, सारा कुछ तुमने आपकी की तरह बाजारी उठाना, घर क्या बनाना है? हां ये कुछ बाजारी घर बाद में, घर बाद में नहीं, सारा बाहर का। आपने क्या किया है इधर, हमारी मम्मी ही काम खराब कर रही हैं। तो गाइस अब टाइम है बिल होने का, और आज पहली दफा मुझे खुशी हो रही है बिल की, क्योंकि रमजान की ग्रोसरी का बिल है, तो इसे मैं खुले दिल से दूंगी। काफी सारा सामान यहाँ पे ऊपर जा चुका है। हीरा पे ये आपने जो अपनी आधी ज्यादा चीजें ली है ना, इनका मैं बिल लग रहा है 2 लाख बने, मुझे लग रहा है 2 करोड़ बन जाए जितना सामान ले लिया इन्होंने, 2 करोड़ बन सकते हैं अंकल, नहीं नहीं 2 लाख तो बन ही जाएगा, 2 लाख बन जाएगा, 2 लाख की बात है, अंडर 1 लाख बनेगा। नहीं यार इतना ज्यादा, चलो यार कोई नहीं, रमजान की खुशी में हम लाख भी उड़ा सकते हैं। तो गाइस हमारी चीजें पैक होगी, तो हमारा रोल जो बिल बना है वो बना है 89,000, मतलब लाख के पास पास था, बट चलो बचत हो गई है थोड़ी बहुत। अभी वो लोग सब देख के कह रहे आए आए हमारा, चले बिल तो बिल देना तो मेरा कार्ड की तरह। तो ये निकलेगा राजा का कार्ड, ये ले अंकल, ये टोकरियाँ दोनों रेडी हो गई, अंकल जी ले आए, ये लो जी, तो सारा सामान रखा जा रहा है इधर, और मम्मा आप गाड़ी में बैठे हैं, तो चलो गाइस लेट्स गो होम। तो गाइस फिर से रास्ते में हीरा जैनब को गाड़ी सिखाने लगी है, फिर से जैनब की डांट का वक्त हुआ जाता है। हीरा ने कहा था जिंदगी में मेरे अभी नहीं सिखानी आती, हीरा कहती है मेरे नहीं अभी इसको सिखानी गाड़ी, और अब देखो सिखा रही है, बहन का फिर बहन ही होती है गाइस। हीरा तरसा आ गया था, नहीं ऐसे ही सीखेगी डांट खा खा के, हां बच्चे ऐसे ही सीखेंगे सब, इसीलिए कहते हैं ये होता है बहनों का प्यार, इधर डांट इधर फिर सुलह सफाई। गाइस मैं भी सीख रही हूं गाड़ी, मेरा व्लॉग इंशाल्लाह आने वाला है सून। सो गाइस सही सलामत जैनब के हवाले हम लोग घर पहुंच गए, मेरा ये वाला हाथ बिल्कुल हिल भी नहीं रहा इस टाइम पे, मम्मा मुझे आगे एक दिन जैनब के साथ मैंने इकरा के घर जाना के लिए, ठीक है मैं भी अब इंशाल्लाह सीख रही हूँ, ऐसा ऐसा सीखूंगी। ओ ये लो जी मम्मी सारा सामान, ये शेर अम्मी देखो कितना सामान के लिए उठा, गुड गर्ल। तो गाइस अब होने लगे मेरे हाथ की पट्टी है, देखिए मुझे यहाँ पे चोट लगी है, जो आप लोगों को चीज दिख रही होगी, ये चीज मेरी मूव नहीं हो रही। जैनब जाओ ला दो पट्टी, अम्मा अगर तुम्हें कोई काम कह रही है तो कर दो, बहन का हाथ खराब है, कोई कर ही नहीं रहा है काम, मम्मा मेरी पट्टी करेंगी। तो गाइस हमारी पूरी ग्रोसरी आ गई, मम्मा इससे पूरा रमजान गुजर जाएगा ना इंशाल्लाह। तो गाइस हमारी पट्टी जो है मैं सिरा फैसल ने कर दिया, थैंक यू हीरू डॉक्टर, थोड़ी हेल्प की है मैंने साथ साथ ना बांधने में, मैं कह रही थी ये छोटा सा क्लिप बच गया, ये आपके सर पे बांध देते हैं। हाँ मुझे मेरे सर में दर्द हो रहा है। सो गाइस हम इस व्लॉग को एंड करने लगे हैं राधा के टूटे हाथ से, होप तो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा, लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।